चलिए आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.1. सो वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 if x is less than minus 3, less than or equal to minus 3, then we are having that this is equal to minus 2x if x lies between 3 to minus 3. And then if x is greater than or equal to 3, then the given function is 6x plus 2. So ye hame function given hai. Again you can see yahan pe hame all points of discontinuity of f check karne hai. We are not given कि कहाँ पे हमारा एट एक्स इज इक्वल टू सम पॉइंट हमें नहीं गिवन है. सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर माइनस 3 से लेस देन और इक्वल टू हमें गिवन है, यहाँ पे माइनस 3 से ग्रेटर देन गिवन है, यानी कि एक पॉइंट मेरा बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3. एंड देन क्योंकि लेफ्ट पे भी वो जा रहा है तो वन पॉइंट विल बी एक्स लेस देन माइनस 3. देन माइनस 3 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो एक हमें मुझे चेक करना पड़ेगा व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस 3 टू 3. और उसके बाद अगर आप देखो तो एक्स लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि एक बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 3. तो ये मुझे जो है यहाँ पे टोटल 5 जो है केसेस चेक करने पड़ेंगे. दोबारा से देख लो किस तरीके से x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, एक आपका ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली एट x इज इक्वल टू कोई पॉइंट मेंशनड नहीं है. जब भी आपके पास एट वाला नहीं होता तो आपके वैसे आप तीन केसेस बनाते हो, एक x लेस देन वाली वैल्यू चेक करते हो, एक x ग्रेटर देन वाली वैल्यू चेक करते हो, एक एट x इज इक्वल टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट आप वैल्यू चेक करते हो. अब दो जो है मेरे पास यहाँ पे फिक्स नंबर्स हैं माइनस 3 एंड 3, तो मैंने ये ले लिए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3. उसके बाद जो क्योंकि मुझे इसको ऑल पॉइंट्स पे चेक करना है तो एक्स लेस देन माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन 3 और एक केस यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा बनता है जिसमें कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस 3 टू प्लस 3. पहले आप ये वाले केसेस कर लो जहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख दोगे. फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि फॉर एक्स लेस देन माइनस 3, ये मैंने केस वन ले लिया. फॉर एक्स लेस देन माइनस 3 मेरा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3. मॉड हटा के मुझे लिखना है एक्स लेस देन माइनस 3, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव बनेगी. जब यहाँ पे मॉड है, एक्स आपका नेगेटिव है, तो यहाँ हम जब फंक्शन को रीराइट करते हैं तो उसके आगे आप माइनस का साइन लगा देते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू जब आपकी नेगेटिव होती है क्योंकि मॉड्यूलस का रिजल्ट आपका पॉजिटिव बनता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हो एक्स के आगे. सो एफ ऑफ एक्स आ गया आपका माइनस एक्स प्लस 3. अब यहाँ पे डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगी विच बींग अ पॉलिनोमियल आपको मैंने लिखवाया था कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है हमेशा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. विच बींग अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. For all x less than minus 3. उसके बाद case 2 ले लेते हैं. When x lies between minus 3 to 3. x greater than 3 वाले में भी हम यही ले लेंगे बट पहले मैं आपको माइनस 3 से 3 के बीच में लिखवा देती हूँ. When x lies between minus 3 to 3. तो फंक्शन हमारा क्या है माइनस 2x which is again a polynomial. तो again this being a polynomial will always be continuous. इन बिटवीन माइनस 3 टू 3. तो यहाँ पे भी आप सेम लिख देंगे व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 टू माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू माइनस 3 के बीच में दिस इज माइनस 2x व्हिच बीइंग अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. For all x lying between minus 3 to 3. Third case,
एट वाले केसेस में सबसे लास्ट में लूंगी, क्योंकि एट वाले केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें ये निकाल के दिखानी होंगी। तो अब मैं थर्ड केस ले रही हूँ, एक्स ग्रेटर देन थ्री। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री तो एफ ऑफ एक्स आप कौन सा लेके चलोगे, ये वाला। दिस इज एक्स ग्रेटर देन थ्री तो आपका एफ ऑफ एक्स आपने लेके चलना है 6x + 2। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज आप लिखेंगे, विच बींग अ पॉलिनोमियल is always continuous for all x greater than 3। तो अब ये हमारे हो गए केसेस। यहां से नीचे वाला आप देख सकते हो, बाद में मैं इसकी दोबारा फिर सेटिंग करती हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। और इसके बाद अब हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन 3। नोट इट डाउन अप टू दिस पॉइंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट विल बी बेटर सो दैट वी कैन सेव द टाइम। अब हमने ये वाला केस ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। नाउ दीज टू केसेस आर लेफ्ट व्हेन एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 3। जब भी एट वर्ड आ गया इट मीन्स आपको सब कुछ निकालना है। यू आर टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, यू आर टू फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट, यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। तो अब हमने लेके चलना है, पहले हम लेके चल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये लेके चलोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। एट एक्स इज इक्वल टू -3 अगेन यू विल बी यूजिंग दिस। देन एट एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यू विल टेक दिस फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू के लिए यू विल टेक दिस फंक्शन। पहले एट एक्स इज इक्वल टू -3 हम कैलकुलेट करेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू -3 तो पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फ्रॉम माइनस साइड एफ ऑफ एक्स। This is equal to limit x tends to -3 from minus side. Again, क्योंकि -3 से less है तो यहाँ पे आपका जो function बनेगा that will be -x + 3। अब limit हमने यहाँ पे लिख दी, x की जगह replacement करेंगे हम -3 से, तो ये minus as it is, x की value -3 + 3 and this is equal to 6। तो left hand limit at x is equal to -3 हमारी आ गई 6। Now we are to find the राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब मैं राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड यानी कि एक्स ग्रेटर देन -3, दिस इज -2x। अगेन जब आप इसको रिप्लेस करोगे एक्स को -3 से तो यू विल गेट दिस एज 6। नाउ वी आर टू फाइंड द वैल्यू एट एफ ऑफ -3। एफ ऑफ -3 दिस इज इक्वल टू -3 वाला केस लेके चलोगे, दिस इज मॉड ऑफ x + 3, मॉड एक्स की जगह आ गया -3 + 3, दिस इज 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तीनों आपके केसेस में जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, सो यू विल राइट डाउन लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फ्रॉम माइनस साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फ्रॉम प्लस साइड, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसलिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, या एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। सेम वे में आप एट एक्स इज इक्वल टू +3 चेक करोगे कॉन्टिन्यूटी। एट एक्स इज इक्वल टू +3 मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूँ, जस्ट आपको वैसे करके दिखा रही हूँ। एक्स इक्वल टू 3 में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे यू आर टू टेक दिस फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा हमारा -2x यानी कि -2 × 3 दैट इज -6। राइट हैंड लिमिट यानी कि x ग्रेटर देन 3 दैट इज 6x + 2 यानी कि 6 × x की जगह 3 + 2। आप पूरा यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, लिमिट वगैरह लिख के दिखाओगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट फॉर दिस। सो दिस इज 20, लिमिट
LHL जो है आपका that is not equal to RHL. जब आपकी left hand limit equal to right hand limit जो है वो equal नहीं होती, it means limit x tends to 3 जो है f of x does not exist. जब आपकी left hand limit right hand limit के equal नहीं होती, we say that limit does not exist. अब limit ही exist नहीं कर रही है, it means function is discontinuous at x is equal to 3. F of x is discontinuous. At x is equal to 3. So this was your question number 7. If any doubt is there, you can raise your hand and you can ask your doubt. If any kind of doubt is there in this question, so you can ask. Otherwise, we are moving on to question number 8. Question number 8, again, I will give you the hint. Question number 8 mein modulus again aapko given hai. मॉड्यूलस जब भी आपको गिवन है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यू आर टू फाइंड आउट द LHL, यू आर टू फाइंड द RHL, क्योंकि मॉड्यूलस के केस में वो वैल्यूज आपकी वेरी करती हैं. अब यहाँ पे हमें गिवन है f of x is equal to, f of x is equal to mod of x upon x, x not equal to 0, और x equal to 0 के लिए this is equal to 0. अब जब हम इसको rewrite करेंगे, mod वाले को हम जब rewrite करते हैं, तो एक केस मेरा बनेगा when x is less than 0, एक केस बनेगा when x is greater than 0, एक already ये मुझे given है. Not equal to means या less होगा या greater होगा. अब जब वो less than 0 होगा, तो it means minus x upon x बनेगा. इसको मैं rewrite कर सकती हूँ as minus 1. जब वो प्लस वन होगा आपका, यानी कि x पॉजिटिव होगा जब आपका, तो दैट विल बी मॉड x पॉजिटिव अपॉन दिस x, ये वन बन जाएगा. और एट x इज इक्वल टू जीरो, ये हमें ऑलरेडी जीरो गिवन है, तो इट मींस जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी दैट विल बी माइनस वन, राइट हैंड लिमिट जो आएगी दैट विल बी प्लस वन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू जीरो दैट इज जीरो. अब यहाँ पे अगेन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स आपकी इक्वल नहीं है, so you will simply write down that the limit of the function jo hai wo does not exist, therefore f of x jo hai that is not continuous at x is equal to 0. This is the you can say that this is the discontinuity of first kind. Ye first kind ki jo hai aapki discontinuity hai when LHL is not equal to RHL. Question number 9 similar hai, bas ye reverse kar diya gaya hai, so that you will do yourself, that is your homework part. Question number 10 is also your homework part. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 and 13, ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम हैं, इसी पे बेस्ड हैं, सो दैट इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन देखो हमें क्या गिवन है. यहाँ पे वी आर गिवन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. अब यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज हमें गिवन है 0 to 1, 1 to 3 and 3 to 10. अगर मैं इसको फंक्शन को ध्यान से देखूं तो इसका अगर मैं इंटरवल देखूं तो दैट इज फ्रॉम 0 to 10. 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है मुझे वो नहीं गिवन है, और 10 के राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है मुझे वो नहीं गिवन है. आई एम गिवन दिस एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है इसकी वैल्यू व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1. When x lies between 1 to 3, its value is 4. And when x lies between 3 to 10, then its value is 5. तो अब अगेन अगर मैं पॉइंट्स चेक करूं, वैसे अगर मैं ये देखूं तो इसकी मुझे गिवन है 0 to 10, यानी कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है. ठीक है, आपको x लेस देन 0 वाले जो फंक्शन है वो गिवन नहीं है. सेम वे में x ग्रेटर देन 10 वाला फंक्शन गिवन नहीं है, यानी कि मैं जो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही हूँ दैट इज टू बी चेक्ड फ्रॉम 0 to 10, क्योंकि 0 से लेस के लिए मुझे फंक्शन नहीं गिवन है, मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू गिवन है, और x लेस देन इक्वल टू 10 वाली वैल्यू गिवन है, x ग्रेटर देन 10 वाली वैल्यू गिवन नहीं है. इट मीन्स अब जो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है दैट आई हैव टू चेक फ्रॉम 0 to 10, 0 से 10 के बीच में मुझे जो है फंक्शन का डोमेन मिल गया. अब इसके बीच में जो है मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. अब 0 लेके चलोगे जब आप, कि x जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो आपका जो फंक्शन है देखो वो कॉन्टिन्यूस बनेगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
बट x आपका क्या है लेस देन इक्वल टू वन है. सेकेंड पॉइंट, अब अगर मैं वैसे देखूं तो एक मेरा ये बन गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बट दिस इज लेस देन इक्वल टू वन. और यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे वो क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन वन, यानी कि एक मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू वन. अब इधर अगर देखें तो x लेस देन थ्री और x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री भी मुझे गिवन है, यानी कि एक एट वाला मेरा पॉइंट बन गया थ्री. तो एट x इज इक्वल टू वन एंड एट x इज इक्वल टू थ्री जो है ये मैं वैल्यूज चेक कर रही हूँ. और इसके साथ साथ मुझे जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी एट x इज इक्वल टू जीरो एंड एट x इज इक्वल टू टेन. नो डाउट क्योंकि इसमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नहीं बनेगी, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बनेगी, बट क्योंकि ये पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूडेड है तो आपको एट x इज इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू टेन जो है वो लिमिट चेक करनी पड़ेगी. एट x इज इक्वल टू वन लोगे, एट x इज इक्वल टू थ्री लोगे, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10. At x less than equal to 10, यानी कि आप at x is equal to 10 एक तरह से कह सकते हो कि आप उसको चेक कर रहे हो. अब यहाँ पे जब हम लेके चलेंगे लिमिट x tends to 0 from plus side, थ्री है आपका फंक्शन. अब थ्री जो है that is a constant function, और जो आपका constant function होता है that is always continuous. या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने ये कह दिया कि फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है. अब हमने चेक करना है इसको वन के लिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन. अब आप यहाँ पे एल एच एल निकालोगे, आर एच एल निकालोगे और एफ ऑफ वन निकालोगे. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. एल एच एल की जब हम बात करेंगे तो आपका जो है एक्स लेस देन वन के लिए, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी फंक्शन की वैल्यू थ्री आएगी. इक्वल टू वन पे अगेन दिस इज थ्री. और आर एच एल जब आप लोगे एक्स ग्रेटर देन वन तो दैट वैल्यू इज फोर. अब अगेन जो आपका एल एच एल है दैट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो आप ये कह दोगे कि एट एक्स इज इक्वल टू वन जो है आपका फंक्शन जो है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन. अब देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस कर दिया, एक्स इक्वल टू वन पे मैंने कह दिया कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. बट वॉट अबाउट इन बिटवीन जीरो टू वन, जीरो से वन के बीच में जो है हमने इसको चेक करना है. जीरो पे हमने इसको चेक कर लिया, अब फॉर एक्स लेस देन हमने इसको वन चेक करना है, यानी कि जीरो से वन के बीच में हम चेक कर रहे हैं. तो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन, जब एक्स आपका जीरो से वन के बीच में लाए कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका उसकी वैल्यू क्या है थ्री. इनमें से हम कोई भी पॉइंट ले लें दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो यू कैन से कि फॉर एक्स लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो f of x is continuous. अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू थ्री. एल एच एल लोगे, आर एच एल लोगे और f of थ्री लोगे. अब एट x इज इक्वल टू थ्री, x लेस देन थ्री के लिए फंक्शन की वैल्यू आपकी फोर है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फोर आ जाएगी. x इक्वल टू थ्री के लिए f ऑफ थ्री आपका फाइव आ जाएगा. आर एच एल यानी कि x ग्रेटर देन थ्री के लिए अगेन दिस विल बी फाइव. तो ये आपका आ गया. अब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू थ्री. अब थ्री से टेन के बीच में हमने इसको चेक करना है. 3 से 10 के बीच में आप इसको जब चेक कर रहे हो तो हम इसको ले लेंगे कि x जब आपका एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 3 टू 10, तो x लाइज बिटवीन 3 टू 10 इक्वल टू, यहां नहीं ले रही मैं क्योंकि एट x इज इक्वल टू 3 वो हम ऑलरेडी डिसकॉन्टिन्यूअस शो कर चुके हैं. तो x लाइज बिटवीन
3 to 10. उस टाइम पे ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन दिस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस. आप सिंपली उसको लिख दोगे जैसे यहाँ पे लिखा था. अब नेक्स्ट बन गया आपका x लेस देन इक्वल टू 10 के लिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम माइनस साइड, क्योंकि x लेस देन 10 है आपका. तो दैट इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू f ऑफ 10. तो यहाँ पे भी आपका फंक्शन क्या हो गया, f of x is continuous. तो आपके यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं discontinuity के. फर्स्ट पॉइंट at x is equal to 1 एंड सेकेंड पॉइंट at x is equal to 3. तो 0 टू 10 के बीच में ये दो पॉइंट्स आ गए आपके discontinuity के. f is not continuous, लास्ट में आप ये लिख देना f of x is not continuous at x is equal to 1 एंड at x is equal to 3. बाकी जितने भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं, 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड वाला, देन 0 से 1 के बीच वाला, देन 3 से 10 के बीच वाला और 10 वाला, यहाँ सब पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. सिर्फ एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 जो है वो फंक्शन आपका इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस नहीं है. सो यू विल राइट डाउन दैट इन द आंसर, क्योंकि उसने डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी पूछा था. तो 3 और 1 पे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. Now the 15th question आपका same way में है that you will do yourself. चलिए 16th question कौन बताएगा मुझे? Any one of you. Same way में है question number 16. 15 is again your homework part. Question number 16. F of x is equal to minus 2 है if x is less than equal to minus 1 and 2x है if x lies between minus 1 to plus 1. एंड 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 1. सिंपल है ये, बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे इसमें. इस वाले में आपके काफी केसेस बन रहे थे, ये ध्यान रखना. चलिए एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर. और शुड आई आस्क, क्योंकि वॉलंटरी तो आप नहीं बता रहे हैं तो मैं ही पूछ लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 आई एम आस्किंग इफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स आपका गिवन है माइनस टू, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू प्लस वन, तो इट इज गिवन एज 2x एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज गिवन टू बी 2. चलिए ध्रुव शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ. कितने केसेस बनेंगे इसमें? ध्रुव शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. कौन हो रही थी आज? अनम्यूट नहीं होंगे है ना मैम, कल ट्यूशन थी मेरी. चलिए अच्छा बताइए, ये अरमान बच्चा कौन है भाई यहाँ पे? मैम अभिनव हंस है. ओके, आई वाज जस्ट टू रिमूव, अच्छा हुआ कि बोल दिया. चलिए बताइए. यस ध्रुव. यस मैम. हाँ जी बताइए, देखें कितना समझ आया. At x is equal to नहीं गिवन मुझे कुछ भी यहाँ पे. एविश मैम माइनस वन और वन पे चेक कोई कंटिन्यूटी. At x is equal to minus one, very good. And at x is equal to one, only these two points या किसी और पे भी चेक करना है मुझे? क्योंकि माइनस वन का एल एच एल इक्वल टू और आर एच एल बन रहा है, प्लस वन का भी एल एच एल इक्वल टू और आर एच एल बन रहा है, तो इन दो पॉइंट पे आपने इसको चेक करना है. एक्सेप्ट दीज, क्या कोई और पॉइंट चेक करना है? क्योंकि मुझे एट एक्स इक्वल टू नहीं गिवन है, इट मीन्स ये वाला केस भी मुझे लेके चलना पड़ेगा और ये वाला केस भी लेके चलना पड़ेगा. तो यहाँ पे ओवरऑल आपने चेक करना है, एक एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एट एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, देन एक्स लेस देन माइनस वन चेक करोगे, देन एक्स ग्रेटर देन वन चेक करोगे, और माइनस वन से वन के बीच में फिर से आप इसको चेक करोगे. तो ये फाइव केसेस जो हैं
आपको इसके चेक करने. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. विल यू बी एबल टू डू दिस नाउ? विल यू बी एबल टू डू दिस नाउ? ओके फाइन. नाउ moving on to question number 17, should I repeat this type of questions you have done in your plus one also? Question number 17, find the relationship between a and b so that the function is defined by f of x is equal to ax plus 1 bx plus 3 is continuous at x is equal to 3. ab dekho yahan pe hame kya given hai ki function jo hai wo continuous given hai already. और हमें जो है ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. यानी कि हम इसमें ये लेके चलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कब कॉन्टिन्यूस होगा, ए और बी की किन वैल्यूज के बीच में. वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 तो फंक्शन मुझे लेके चलना है ए एक्स प्लस 1. और अगर x आपका ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन मुझे लेके चलना है बी एक्स प्लस 3. जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको कोई अननोन की वैल्यू निकालनी है या रिलेशनशिप निकालना है तो हम ऑलरेडी ये लेके चलेंगे कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 if and only if left hand limit is equal to value of the function at that specific point is equal to the right hand limit and accordingly ab yahan pe hum values jo hain wo put karenge. 3 from minus side matlab left hand limit hum nikal rahe hain. left hand limit x less than 3 ke liye aapko function given hai ax plus b. to ye maine value put kar di yahan pe f of x ki ए एक्स प्लस बी. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 मीन्स एक्स की जगह हमने रिप्लेसमेंट करनी है 3 से. तो दिस विल बिकम 3a प्लस 1. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए राइट हैंड लिमिट दैट इज गिवन टू बी बी एक्स प्लस 3. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम प्लस साइड बी एक्स प्लस 3. यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट की 3 प्लस था यानी कि राइट हैंड लिमिट. तो एक्स ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू ली मैंने यहाँ से. यहाँ पे मैंने f of x 3 from minus side था तो x less than 3 वाली value ली. यहाँ पे f of 3 था तो x equal to 3 वाली जो आपकी यहाँ value थी यहाँ पे x को 3 से replace करके 3a plus 1 से यहाँ हमने value replace कर दी. अब यहाँ पे आप 3 put करोगे तो you will get this as 3a plus b 3a plus 1. this was ax plus 1. This is equal to again 3a plus 1 and this is equal to 3b plus 3. अब यहाँ पे देखो आपकी जो left hand limit है वो f of 3 के equal है. दोनों values same है तो this implies that 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. अब a और b के बीच में हमने relationship निकालनी है तो 3a is equal to 3b plus 2. चाहे तो आप ऐसे लिख दो चाहे आप सभी टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे लाके यू कैन लीव इट इन द फॉर्म ऑफ दैट. 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन लीव इट अप टू दिस पॉइंट आल्सो. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट एट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1. This is again unknown quantity आपको निकालनी है. The same way you will do. So this is your homework part. Now moving on to question number 19. Question number 19 में you are given show that the function defined by g of x is equal to x minus gint function x is continuous at all integral points. और आगे वही given है आपको कि this denotes the greatest integer less than or equal to x. अब देखो आपको जो जिंट फंक्शन है वो पता है कि दैट इज कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी यूज कर सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली. इंटेग्रल पॉइंट्स हमें यहाँ पे सारे गिवन है. g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस जिंट x. अब दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है. अगर एक फंक्शन को मैं f लेती हूँ और इस फंक्शन को मैं h लेती हूँ तो f जो है x गिवन है आपको.
एक्स जो है वो हर इंटेग्रल वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. जिंट फंक्शन जब हम लेके चलते हैं तो दैट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन. कैसे डिसकॉन्टिन्यूस है देखो, लेट अस सपोज कि मैं इसको किसी एक पॉइंट ए पे चेक कर रही हूं. लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर कैलकुलेटिंग. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखो क्या होता है आपका. ये वैसे आपने प्लस वन में किया भी होगा. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस ऑन द नंबर लाइन. मान लो मैंने ये नंबर्स लिए 0, 1, 2, -1. लेट अस सपोज कि मैं एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक कर रही हूँ. अब जब मैं इसको 1 के लिए चेक कर रही हूँ तो आई विल टेक इट एज 1 -h एंड 1 + h. स्लाइटली राइट पे दिस विल बी 1 + h, स्लाइटली लेफ्ट पे दिस विल बी 1 - h. जब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ, मैं 1 - h पे आ, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे हूँ, दैट इज लेस देन 1. तो जब मैं इसका जिंट लूंगी, जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करूंगी, तो मैं आगे की तरफ नहीं जा सकती, मुझे पीछे वाली इंटेग्रल वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट विल बी 0. यानी कि यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी मेरी 0. जब हम 1 + h लेके चल रहे हैं, 1 + h मीन्स आई एम स्लाइटली टू द राइट ऑफ 1. मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे हूँ, तो इससे जो पिछला इंटेग्रल वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1. जो मर्जी आप इंटीजर ले लो, हर इंटेग्रल वैल्यू के लिए योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होंगी. लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे -1 लिया. -1 के जब मैं स्लाइटली लेफ्ट पे जाऊंगी तो मुझे जो उसकी जिंट वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -2, और जो उसकी राइट हैंड लिमिट मिलेगी मुझे दैट विल बी -1 के स्लाइटली मैं राइट पे जाऊंगी. यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखूंगी दैट विल बी -1. अगेन दीज आर अनइक्वल. तो आपका जब भी जो है जिंट फंक्शन बनता है फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज जो ये आप लेके चलते हो, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस. तो एक फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एक फंक्शन जो है वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है. तो ओवरऑल जो हमारा ये फंक्शन बनेगा दैट विल अगेन बी डिसकॉन्टिन्यूस. क्योंकि आपका अगर डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस लेते हो देन ओनली दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. बट यहाँ पे आपका एफ कॉन्टिन्यूस है, एच जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिट फंक्शन जो आपका जी ऑफ एक्स बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट विल अगेन बी डिसकॉन्टिन्यूस. सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क. If any kind of doubt is there, then you can ask. Otherwise, the time is over. So rest of the questions we will do tomorrow. Mark your homework parts that you are to do. You are to try question number 26 to 30. इसमें आपको unknown k की value ही निकालनी है. So this type of questions you have done. So this you will do yourself. 26 से लेके 30 तक आप questions अपने try कर लीजिएगा. If any doubt is there from any of the questions explained today, so you can ask. I have given you the option to unmute.